नमस्कार प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकिता ही आपको यूपी के शंकरगढ़ की ओर ले चलते हैं, जहां एलआरएस स्कूल में हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता सकुशल संपन्न। हमारी मातृभाषा हो रही है विलुप्त, जिसे बढ़ावा दे रहे हैं रमेश केशरवानी। प्रयास कोचिंग शिक्षण संस्थान शंकरगढ़ प्रयागराज द्वारा आयोजित हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता सकुशल संपन्न हुई, जिसमें लगभग 500 बच्चों ने प्रतिभाग किया। ग्राम प्रधान जोरवट अरुण सिंह ने परीक्षा कक्ष का निरीक्षण किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन हिंदी भाषा को सम्मान व बढ़ावा देने हेतु हिंदी पखवाड़े में किया गया। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने में राघवेंद्र सिंह, रमा शंकर जी, दीपक नीर, दिनेश सोनी, इमरान अहमद, राहुल राव, दिनेश केशरवानी, शिवम केशरवानी, प्रशांत केशरवानी, सुधांशु सिंह, मनोज केशरवानी ने अपना योगदान दिया। विद्यालय के प्रबंधक अश्वनी सिंह और प्रधानाचार्य सुष्मिता खान व होमी गुप्ता ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता के आयोजक रमेश केशरवानी ने विद्यार्थियों को इस प्रकार की प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रेरित किया तथा भविष्य में ऐसे आयोजक करने रहने की बात कही। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज शंकरगढ़ से हेड कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू की रिपोर्ट। मातृभाषा है, सभी को पता है, और हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमको अपनी विदेशी भाषा छोड़ हिंदी की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान से अधिक हमें कुछ अधिक प्यारा नहीं, और उन्हीं की राहों पे हम भी चलना चाहेंगे। और जय हिंद जय भारत। आपका नाम? हमारा नाम अरुणेंद्र सिंह। तो आइए बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने एग्जाम दिया, उन्हें कैसा लगा? तो यहाँ जो आपने पेपर दिया कैसा लगा आपको? पेपर देकर अच्छा लगा है। तो यहाँ क्वेश्चन पुटअप हुए थे, मतलब कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, मतलब किस विषय संबंधित क्वेश्चन थे यहाँ? हिंदी लैंग्वेज से थे। वाली हिंदी लैंग्वेज थे? हाँ हिंदी लैंग्वेज थे। कुछ ऑप्टिकल मतलब ऐसे भी थे जो हमारे लाइफ में वैसे भी यूज होते हैं। अच्छा, आपका नाम? आकांक्षा केशरवानी। पहले तो यहाँ प्रयास कोचिंग जो हमारे संस्थापक जी हैं रमेश सर जी, इनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, साधुवाद देता हूँ कि इस तरीके की प्रतियोगिता। सर, हमारा शंकरगढ़ बहुत छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे हिंदी के लिए इन्होंने जो कार्य किया है वो भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर कार्य किया है, जिनसे कि हमारा आगे की हिंदी का भविष्य सुधरेगी। और साथ में यहाँ पे हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, हिंदी दिवस अभी कुछ दिन पहले था, अभी पखवाड़ा उसका 15 दिनों तक चलता है, तो हिंदी को लेकर इन्होंने जो कार्य किया। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रतियोगिता रखती, इससे हमारे यहाँ ये होगा जो हमारे बच्चे हैं आगे उनको एग्जामिनेशन देने, माने उनको कई तरह के एग्जामिनेशन देने होते हैं, उसमें उनको जानकारी मिलेगी कि कैसे पेपर आते हैं, कैसे रोल नंबर भरना होता है, किस तरह से गोला करना होता है, उनमें अनुभव आएगा। इसलिए रमेश जी को ढेर सारा साधुवाद। और जो भी इनकी टीम रही, निःशुल्क काम किया उन लोगों ने, इन्हें किसी से फीस नहीं लिया इसके लिए, तो इनको और भी साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और आगे से ये चाहूँगा कि और अच्छा ऑर्गेनाइज करें, और जो भी सहयोग मुझसे हो सकेगा मैं भरपूर सहयोग करूंगा रमेश जी का। रमेश जी ने शंकरगढ़ के क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इनको ढेर सारी बधाई। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? अरुण सिंह, प्रधान जोरवट। 30 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा चलता है। ये पिछले वर्ष मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, बच्चों को कोई नई सीख दी जाए, प्लस हम हिंदी भाषा के प्रति उनमें जागरूकता फैलाएं। आज हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता, हिंदी तिरस्कृत हो रही है, आज हिंदी के शब्दों का ज्ञान नहीं है, हिंदी के गिनतियों का ज्ञान नहीं है। ये सब सोचकर हमने सोचा कि एक प्रतियोगिता अगर हम इनके बीच में करवाएं कि उन्हें कितना ज्ञान है हिंदी का, या उनके गार्जियन भी देखेंगे कि मेरा बच्चा हिंदी में कितना पारंगत है, तो हो सकता है कि जो हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी के प्रति आकर्षित हो रहा है वो भी कुछ समझेगा कि हमारी हिंदी भाषा इतनी महान भाषा होते हुए भी हम उसको तिरस्कृत कर रहे हैं और उसका ज्ञान हम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। आज बच्चों को अगर 69, 79, 85 बता दिया जाए तो उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता है, जबकि ये हिंदुस्तान है, और यहाँ से अगर हिंदी विलुप्त हो जाएगी तो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारतवर्ष की पहचान विलुप्त हो जाएगी। हिंदी से ही हमारा हिंदुस्तान है, इस कारण हमने सोचा कि एक छोटे स्तर से ही हम शुरू करेंगे, लेकिन हम जैसे हमारे आदि कवियों ने, बहुत से लेखकों ने हिंदी के लिए अलग जगाई, बहुत से पत्रिकाएं निकाली, सरस्वती पत्रिका निकली, ऐसे ही बहुत से पत्र पत्रिकाएं आज चल रही हैं। आज हिंदी दैनिक जागरण और अमर उजाला, ऐसे हिंदी दैनिक जितने भी हैं, आज वो हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम अगर हिंदी का ज्ञान नहीं होगा तो उस पत्र पत्रिका को पढ़ने के बाद हमारे बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है, तो वो सेंटेंस क्या कह रहा है। तो सर, ये जो आज एग्जाम हुआ है, इसको लेकर के क्या बच्चों को कोई इस पर कुछ पुरस्कृत किया जाएगा जो पास होने वालों? हमने
ये प्रतियोगिता पूर्ण रूप से निःशुल्क कराई है। कुछ स्वैच्छिक योगदान हमें मिला है, लेकिन इस प्रतियोगिता में जो भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आएगा उसे हम विशेष रूप से पुरस्कृत करेंगे और प्लस प्रथम 10 स्थान लाने वाले को भी सातवना पुरस्कार दिया जाएगा। सर आपका नाम? रमेश चंद्र शर्मा।